हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे चैनल पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा हाइपर रियलिस्टिक एक्रेलिक पेंटिंग। गाइस, मैंने कभी भी हाइपर रियलिस्टिक एक्रेलिक पेंटिंग ट्राई नहीं की है, तो ये वीडियो बहुत फन होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अमेजिंग भी होने वाला है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम हाइपर रियलिस्टिक एक्रेलिक पेंटिंग ट्राई करेंगे। गाइस, मैंने नॉर्मल एक्रेलिक पेंटिंग की है, जैसे कि आप बोल सकते हो, मतलब नॉर्मल कलर्स थोड़ी बहुत शेडिंग के साथ मैंने किए, बट हाइपर रियलिस्टिक मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, तो देखते कैसे बन पाती है हमारी पेंटिंग। और गाइस, अगर आपको फ़ोटो की लिंक चाहिए तो मैं फ़ोटो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके उस फोटो को ड्रॉ कर सकते हो। गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश नगाटे, आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड।
गाइस मेरी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट और मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ मेरी ड्राइंग कैसी लग रही है, जो कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर। ये मेरी फर्स्ट रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक कैनवास पेंटिंग जो कि एक्रेलिक कलर से बनाई है गाइस। इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट अगर मैं और टाइम लगा देता था इस पर, इस पेंटिंग के ऊपर, तो ये पेंटिंग और अच्छी बन पाती थी। बट ये गाइस मेरी ऐसी फर्स्ट रियलिस्टिक बोल सकते हो गाइस, को रियलिस्टिक पेंटिंग बोल सकते हो, मेरी फर्स्ट रियलिस्टिक पेंटिंग। और अगर आपको मेरी पेंटिंग और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक एम होगा, आज का जो लाइक एम होगा वो है 20 लाइक्स। मैंने कौन सी भी वीडियो पर कौन सा भी एक लाइक एम नहीं रखा है, बट इस वीडियो का लाइक एम होने वाला है 20 लाइक्स। तो प्लीज़ 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 20 लाइक्स कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं मेरे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग, टेक केयर एंड बाय।